अच्छा मेरे भाई, जो भी भाई है, जो भी है, ऑफर ये आओ 500 रुपए में। 500 रुपए की शर्त में एक बहुत ही जबरदस्त टैलेंट देखने को मिला इस जगह पर, और पिथौरागढ़ का टेस्टी मटन। और पिथौरागढ़ में एक चीज और फेमस है, वह पंचोला। अगली सुबह खराब मौसम में चल दिया मैं धारचूला की ओर। नज़ारे फिर भी बहुत ही शानदार देखने को मिले इस जगह पर, और यह है कि धारचूला से ऊपर खतरनाक और भयंकर रास्तों से होते हुए पहुँचा मैं धारचूला की सबसे बड़ी ग्राम सभा राथी में। धन्यवाद दादा। गुड मॉर्निंग गाइज एंड स्वागत है आपका कैसा कुंदन ब्लॉग्स में। धारचूला से तो पहुंच गए पिथौरागढ़। अब ऐसा कि आज है संडे, और संडे तो मार्केट बंद ही रहेगी आज पिथौरागढ़ की। कुछ कुछ दुकानें खुली रहेंगी, कुछ कुछ सिल्थाम पे हेयर ड्रेसर शॉप खुली दिखी, तो वहाँ पर थोड़े सेविंग कराए और थोड़ा स्मार्ट बन गया। तो आज संडे के दिन खस्सी और कुछ इस तरीके से बनाते हैं। खस्सी भुना हुआ मीट, ये उत्तराखंड में काफी फेमस है। पिथौरागढ़ में एक चीज और फेमस है, वह है पंचोला, जो कुछ इस तरीके से भून के तैयार करते हैं बकरी को। उसके बाद जो स्किन का पार्ट होता है और मीट, और उसके बीच में होती है चर्बी लेयर, उसके पीस बनाए थे, उसमें नमक मिर्चा तेल भी फेमस है इस जगह में। खासकर जो ड्रिंक के शौकीन होते हैं ना, पंचोला लेना पसंद करते हैं। आप भी स्मेल कर रहे हैं, मतलब बात सही है कि नहीं है। तो इस तरह से एक मटन का एक अलग तरीके का टेस्ट आपको मिलेगा, अगर आप इस तरह का मीट खाना पसंद करते हैं तो। तो इसके बाद मैं चल पड़ा आगे को, जहाँ पर मुझे दिखा एक खास टैलेंट। चला आजा, आजा मेरे भाई, जो भी भाई है, जो भी है, ऑफर ये आओ 500 रुपए में। तो यहाँ पे एक बंदा शर्त लगा रहा है 500 रुपए की। शर्त ये है कि हाथों से चलना है, पैरों को ऊपर करके, मतलब हैंड वॉक। तो देखते हैं ये बंदा कर पाता है या नहीं। हो रहा है, हो रहा है, कर कर कोशिश कर। एक बार ले ये होता है। हां मैं आके इसको बहुत अच्छी है। कौन यार लगाना है ना, भी टैलेंट यहीं पे तो दिखाना होगा। तो रोड में करके दिखा। तो भाई देखिए टैलेंट है भाई बंदे में, ये दिखाते हो तो मैं तुम्हें 500 रुपए देता हूँ। और ये बंदा इस अपने इस टैलेंट को बखूबी कर पा रहा है, और आप जो है कि सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि इस बंदे के इस टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने रख सके। तो देखा आपने स्पेशल टेस्ट, मतलब भुना हुआ मटन। फिर देखा आपने इस बंदे का टैलेंट, पूरन का टैलेंट, और बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट था इस बंदे का। अगली सुबह मैं अपनी विलेज ट्रिप की सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए निकला धारचूला की ओर पिथौरागढ़ से। गुड मॉर्निंग गाइज एंड स्वागत है आपका कैसा कुंदन ब्लॉग्स में। भाई मौसम बहुत ख़राब है आज, और ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा ही आज पिथौरागढ़ में। तो इस ख़राब मौसम में सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, और अभी पिथौरागढ़ से कुछ ही आगे पे चल रहे हैं कनाली चिनार रोड पे, और मौसम इतना ख़राब है कि चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, और डोंदा के साथ में इस सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। मज़ा क्या, मतलब आपको बताऊं तो ख़राब मौसम होने की वजह से काफ़ी ठंड बढ़ गई है, और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है इस जगह पे। मतलब कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ भी रही है तो 50 मीटर के दायरे तक ही दिखाई दे रही है, उसके बाद को उसका पता नहीं चल रहा है। ख़राब मौसम में सफ़र करते हुए पहुँचे कनाली छना मार्केट के पास। कनाली छना के मार्केट को पहुँचते हुए कोहरा तो साफ़ हो गया था, लेकिन मौसम इतना ख़राब था, मतलब कि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि बारिश का पानी बार बार कैमरे के लेंस पर गिर रहा था,
तो मैं कैमरे के लेंस को साफ करते हुए कनालीछना की मार्केट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मूसलाधार बारिश में कनालीछना मार्केट कुछ इस तरह की दिखाई देती है। और अभी कनालीछना की मार्केट से आगे पर चल रहा हूँ, मतलब बंदर लिमा के पास। इस जगह पर रोड ख़राब है और ये कि आज मौसम भी बहुत ख़राब है, तो इस जगह पर चलने पर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। नीचे को खाई है, इधर को अपनी गाड़ी मतलब पैसेंजर गाड़ी, तो चल रहे हैं भाई इस सफ़र में। और व्यू देखिए बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है इस जगह पर, लेकिन ज़्यादा ही बारिश होने पर इस रोड पर खतरा भी रहता है। तो अभी पहुँच रहे हैं ओगला के पास, बारिश बहुत तेज़ है, बिल्कुल कैमरे का लेंस साफ करते हुए रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। और यह है हनुमान मंदिर ओगला पे, जय बजरंगबली। और यह है भाई ओगला की मार्केट, बारिश लगातार चालू है, मूसलाधार बारिश। तो पिथौरागढ़ से पहुँचे ओगला पे और यहाँ पे खाना पीना हो गया, मतलब उसी होटल पे, जिस होटल में पहले भी खाना होता है, मनोला जी के यहाँ पे। और ठंडा इतना है ना, इधर पर आग जलाइए तो ठंड भी बढ़ रही है। अगर बारिश रही आज दिन भर तो शायद बर्फबारी भी हो सकती है जगह। तो पैसेंजर जितने भी थे, खाना पीना हो गया सभी का, तो फिर अब चले धारचूला की ओर। तो अभी चल पड़े हैं ओगला से आगे की ओर, मतलब जोलजीबी की ओर। तो अभी पहुंच गए हम जोलजीबी पुल के पास और यहाँ पे बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। यह है गोरी नदी जो आती है मिलम ग्लेशियर से, मतलब मुनस्यारी की ओर से। इस पॉइंट से बाईं ओर को जाओगे तो आप पहुँचोगे मुनस्यारी। धारचूला जाने के लिए यहाँ से दाईं ओर को निकलना पड़ेगा, मतलब राइट साइड। तो अभी जो है कि हम पहुँचने वाले हैं जोलजीबी मार्केट पर। बारिश की वजह से जोलजीबी की मार्केट का व्यू भी कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है आज। तो अभी पहुंच गए हैं जोलजीबी के पास। तो अभी जो है कोहरे और बादल को चीरते हुए पहुंचा है जोलजीबी पे। तो यहाँ पे ऐसा है कि उस्ताद जो है पैसेंजरों को उतारते हुए चल रहा है, तो थोड़ा रुक गया यहाँ पे। मौसम तो भाई सुबह से बारिश थी, अभी थोड़ा बारिश रुकी है, लेकिन बादल तो लगे हुए। अभी सफ़र जोलजीबी से आगे की ओर हो रहा है, लेकिन आपको बताऊं इस जगह पर मौसम ख़राब होने की वजह से ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, क्योंकि जोलजीबी एक घाटी क्षेत्र है इस वजह से। अभी जो है कि पिथौरागढ़ से बलवा कोट को पहुँचा हूँ, ये बलवा कोट की मार्केट। अब जो है कि थोड़ी देर में धारचूला पहुँच जाऊँगा। तो धारचूला से प्लान क्या होता है बताऊँगा आपको। सफ़र चालू है अभी धारचूला का दोंदा के साथ, दोंदा फुल कॉन्सेंट्रेट होकर ना गाड़ी चला रहा है, क्योंकि शीशे में पानी वानी काफ़ी पड़ा है। तो देखिए मतलब शीशे पर चिपका हुआ ऐड होगा। तो अभी बलवाकोट से आगे का सफ़र चालू है डोंदा के साथ, और कहीं कहीं पर रोड बहुत ही ख़राब है, गाड़ी उछलती है बहुत ही बेहिसाब। ऐसे मौसम में अच्छी तरह सफ़र करने के लिए एक अनुभवी ड्राइवर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ड्राइवर का टैलेंट ही हमें हमारी मंजिल तक सुरक्षित पहुँचा सकते हैं। तो ख़राब मौसम में सफ़र करते हुए अब जो है कि हम धारचूला की मार्केट पर पहुंचने ही वाले हैं, मतलब हिमालय होटल के पास। पिथौरागढ़ से फाइनली पहुंच गया हूँ धारचूला हिमालय होटल के पास, और अब जो है कि यहाँ से जाना है उन आखिरी गांव की तरफ जो दिखाया था मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में, पहले वाले नहीं, एक ब्लॉग छोड़ के उससे पहले लेख रहा था ऊपर, तो उस तरफ जाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं कब तक पहुँच पाता हूँ, आज तो शायद रात के गाँव तक भी पहुँच जाऊँ, वो काफ़ी है। अभी जो है कि 3:25 हो रहे हैं, तो चलें भाई अब। और आते हुए तो बारिश थी जोलजीबी तक, जोलजीबी से ऊपर जो है कि थोड़ा सही था मौसम। आई लव राठी। तो अब निकल गया हूँ धारचूला से राठी ग्राम सभा की ओर, और मौसम ख़राब है। अभी चल रहा हूँ तवाघाट मानसरोवर रोड पे, और एक नज़ारा देखिए आप धारचूला की मार्केट का, जो यहाँ से दिखाई दे रहा है बहुत ही शानदार। तो इस जगह पर जो है कि रोड को बना रहे हैं साइड, कुछ टूट फूट या रोड का चौड़ीकरण कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाड़ियाँ रुकी हैं यार काफ़ी, तो कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद फिर पहुँचेंगे राठी ग्राम सभा के अंदर। तो अभी खुल गई है रोड, तो अभी सफ़र चालू है। और जिस रोड पे चल रहे हैं अभी, ये तवाघाट रोड कैलाश मानसरोवर रोड, ये रोड है। बस यहाँ से थोड़े आगे से रोड कटती है ऊपर राठी ग्राम सभा की ओर जाने के लिए, और भाई नज़ारे ना डेंजर है, बिल्कुल डेंजर। डेंजर यहाँ पे तो नहीं, अभी कुछ आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा कितना ख़तरनाक रास्ता है, और रोड बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, मतलब कच्ची रोड। तो मैं भी बैठा हूँ गाड़ी में गांव घर के लोगों के साथ, और इस सफ़र को एंजॉय कर रहा हूँ इस गाड़ी में बज रहे म्यूजिक के साथ।
तो अभी जो है कि हम काफ़ी हाइट पर आ गए हैं और इस जगह से आप देख रहे होंगे नीचे को, मतलब काफ़ी भयंकर खाई है और रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ है। मतलब रोड जो है सिंगल रोड है और कच्ची रोड है, बिल्कुल उबड़ खाबड़। जिस हिसाब से गाड़ी की रफ्तार कम है लेकिन काफ़ी हिलती है इस जगह पर, जिस वजह से कि एक थोड़ा सा मन में डर सा भी रहता है। और जो पार पहाड़ी दिख रही है आपको, ये है नेपाल की पहाड़ी और जो इस तरफ है ये इंडिया की पहाड़ी, जो बीच में नदी बह रही है काली नदी। मतलब बिल्कुल एक बॉर्डर पे चल रहे हैं अभी। तो अभी एक ख़ास पॉइंट पे चल रहा हूँ, ये जगह है राथी वाटरफॉल राथी ग्राम सभा में। अगर आप कभी आते हो राथी ग्राम सभा में तो इस पॉइंट पर आइएगा, ये है राथी वाटरफॉल। इस जगह पर एक बात है कि यार ये वाटरफॉल सिर्फ साल में 3 या 4 महीने ही बहता है और महीने बंद रहता है, खासकर बरसात मानसून के टाइम पर काफ़ी पानी रहता है इस वाटरफॉल में। मानसून के टाइम पर इस वाटरफॉल के नज़ारे बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। तो अभी एंटर कर चुका हूँ मैं राथी ग्राम सभा के अंदर और मौसम ख़राब होने की वजह से इस जगह पे ठंड है। और यह है कि जो सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, उनके चोटियों पे जो है बर्फबारी हो रही है सामने और इस साइड, जिस वजह से कि ठंड काफ़ी है इस जगह में। और यह कि फाइनली एंटर कर चुका हूँ मैं राथी ग्राम सभा के अंदर और ये नज़ारा देखे गए बहुत ही शानदार। और अब जो है कि मैं पहुंच गया हूँ राथी ग्राम सभा के ऊपर गांव में। जाना है मुझे यहाँ से लेक राथी की ओर, जो काफ़ी दूर है यहाँ से, मुझे लगभग 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा यहाँ से। तो शाम हो चुकी है तो मुझे कहीं आप रहने की व्यवस्था करनी होगी, तो कोशिश करता हूँ कहीं रहने की व्यवस्था हो पाती है या नहीं। अभी जो है कि शाम के 6:30 बज गए हैं और अंधेरा हो चुका है काफ़ी, और जो है कि बारिश भी हो रही है तो रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई है अभी, बहुत टेंशन हो रही है गाइस। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।